सो वेलकम फ्रेंड्स, पोको का न्यू इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन पोको X6 Pro जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। देखो ये जो स्मार्टफोन है Redmi Note 13 Pro 5G का यहाँ पे रीब्रांड वर्जन होगा जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन सेम से देखने को मिलेंगे पोको X6 Pro के। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है कि Redmi Note 13 Pro अब इंडिया के अंदर आएगा या नहीं, या पोको X6 Pro ही रैक देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो भी गाइस जरूर से कर देना। आते हैं चलते हैं आज की वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात करते हैं पोको X6 Pro के स्पेसिफिकेशन की। देखो यहाँ पे लुक एंड डिजाइन की बात करें, पीछे की तरफ से देखोगे ग्लास बैक देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल वाली सेल्फी शूटर वाला कैमरा मिल जाता है जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। साइड में से देखोगे बेजल काफी कम देखने को मिल जाते हैं और डिस्प्ले में यहाँ पे आपको 6.6 इंच की 1.5K के रेजोल्यूशन वाली OLED पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। लीक्स अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 1800 निट्स की गाइस पीक ब्राइटनेस मिलेगी जो आउटडोर में काफी हेल्पफुल रहेगा। देखो डिस्प्ले वाइज काफी बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाता है, आप हाई रेजोल्यूशन के अंदर आप कंटेंट वाचिंग वगैरह कर सकते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा और डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का भी गाइस साथ सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड काफी बढ़िया रहेगा डिस्प्ले वाइज, लुकिंग वाइज काफी अच्छा देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन। एंड बात करते इस स्मार्टफोन के कैमरा स्पेक्स की, यहाँ पे आपको मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि OIS सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। बैक में यहाँ पे आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिली जाता है और यहाँ पे सेकेंडरी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। और फाइनली यहाँ पे आपको जो लास्ट कैमरा है वहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिलेगा जिसमें आप मैक्रो शूट वगैरह ले पाओगे। एंड देखो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर लेंस मिलेगा, वहाँ पे आप काफी बढ़िया फोटोज वगैरह ले सकते हो फ्रंट कैमरा से। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाती है फ्रंट कैमरा में। एंड रियर के अंदर आप जितना जूम करके फोटोज और वीडियोस बनाओगे एंड काफी अच्छे तरीके से पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं। कैमरास के अंदर भी आपको काफी अच्छे अच्छे अपडेटेशन देखने को मिल जाते हैं पोको के अंदर। एंड गाइस अब फाइनली बात करते हैं पोको X6 Pro के यानी प्रोसेसर के बारे में, किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पोको के जितने भी स्मार्टफोन आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाते हैं। देखो इसके अंदर आपको क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर 4nm फैब्रिकेशन पे आता है। एंड यहाँ पे आपको बैटरी टेन काफी कम देखने को मिले, प्रोसेसर के 6 लाख के अराउंड यहाँ पे एंटीटू स्कोर मिल जाते हैं। देखो परफॉर्मेंस काफी अच्छी लेवल, अगर आप नॉर्मल सेटिंग्स पे गेमिंग वगैरह करोगे ना काफी अच्छे परफॉर्मेंस निकाल के देगा। प्रोसेसर वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी सेटअप के बारे में, यहाँ पे आपको 5000mAh की गाइस बैटरी मिलेगी, साथ ही साथ 67W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। बैटरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर एडिशनल फीचर बात करें पोको X6 Pro की, देखो यहाँ पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, ये बहुत बढ़िया बात है। एक्सटर्नल माइक वगैरह लगाओगे देन इजीली रहेगा आपके लिए। और इस स्मार्टफोन में अगर आप एडिटिंग वर्क करते हो आपका जो काफ़ी अच्छे इजीली कर पाओगे। यहाँ पे आपको NFC का भी गाइस साथ साथ सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आप HDR कॉन्टेंट गाइस देख सकते हो और इसके अंदर आपको IP54 का भी गाइस सपोर्ट देखने को मिल ही जाता है। एंड देखो फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, और गाइस ये इंडिया के अंदर 20,000 के अंडर ही स्मार्टफोन आएगा, अराउंड 18,000 के लगभग इसकी डील प्राइस रहने वाली है ऑफर वगैरह लगा। इस प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन लेके आता है पोको X6 Pro। अब आपको लग रहा होगा कि Redmi Note 13 Pro के सेम से स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, हाँ गाइज यहाँ पे आपको सेम स्पेसिफिकेशन ही देखने को मिलेंगे। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये BIS सर्टिफिकेशन पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है स्मार्टफोन, देन बहुत जल्दी इंडिया के अंदर मिलेगा आपको, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये स्मार्टफोन लॉन्च देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज अब बात करते हैं जो कन्फ्यूजन था Redmi Note 13 Pro को लेकर, देखो गाइज शायद तक इसके स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाए इंडिया के अंदर जब भी आपको Redmi Note 13 सीरीज देखने को मिले। यहाँ पे आपको Redmi Note 13 Pro में स्पेसिफिकेशन चेंज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया में मिलेगा पोको X6 Pro जिसके अंदर आपको यही स्पेसिफिकेशन से मिलते हैं। देन गाइस ये थी कुछ अपडेट एंड पोको X6 Pro का कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि लीक हुए थे, देन मैंने आपको पूरा बता दिया। देन और कुछ अपडेट आती है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, और कुछ के लिए गाइस आप कमेंट भी कर सकते हो। देन गाइस तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।